ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यमुनानगर जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए जेल में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेल में बंद कैदियों की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेदांता अस्पताल में हाई टेक्नोलॉजी से लैस मेडिकल बस के साथ आई टीम जिला जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की जाँच कर रही है। फिलहाल ये टीम टीबी की बीमारी की जाँच कर रही है। जो भी टीबी से संदिग्ध मिलेंगे उनका इलाज किया जाएगा। एसपी जेल संजीव पातर ने बताया कि कोरोना को लेकर जेल में जहां बंदियों के लिए अलग से क्वार्टर राइन वार्ड है, उसी प्रकार जेल में अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। जेल के अंदर 2 मेडिकल अधिकारी हैं, साथ ही जेल में मास्क सैनिटाइजर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो सामान्य करने के लिए जेल प्रशासन पूरे तरीके से तैयार। वही उन्होंने बताया कि इसके बाद HIV की जाँच के लिए भी जेल मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। इन फ्यूचर जो है नया जो कोविड के ओमिक्रॉन का आने की संभावना है, उससे रिलेटेड ही जो टीबी पेशेंट है हम ये शुरू करवा रहे हैं, ताकि पहले से ही हम इस तरह की जो भी पेशेंट हैं उनको जो इफेक्टेड हो सकते हैं उससे उन्हीं के ट्रीटमेंट का ये भी एक मेन रीजन है, ताकि इनका टीबी से या हार्ट से या शुगर के जो पेशेंट है उनको सबको आइडेंटिफाई करके जो सस्पेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो बेसिक नीड्स हैं मास्क की है, सैनिटाइजर की है, हर चीज़ों के हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। क्वारंटाइन वार्ड है अलग बना रखा है, हमारे पास 2 मेडिकल ऑफिसर हैं, और आइसोलेशन वार्ड हॉस्पिटल के अंदर एक अलग बना दिया हमने बिल्कुल, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थिति आई तो उसका सामना कर सके। तो सर हमारी जेल के अंदर जो है टीबी पेशेंट हैं जो, उनके लिए एक कैंप लगाया गया है। मेदांता क्लिनिक ऑन व्हील के नाम से एक बस है, जो मेदांता हॉस्पिटल का जो टेक्निकल स्टाफ है वो सारा यहाँ आया है हमारी जेल में। और माननीय परमादरणीय हमारे DGP साहब अकील मोहम्मद सर जी ने ये पिछले दिनों आदेश दिए कि तमाम जेल में जो भी बंदी हैं उनके प्रॉपर HIV है, TB के टेस्ट हैं, सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी की सॉल्यूशन करो, उसी के कारण हम शुरू कर रहे हैं। और HIV का भी आगे हमारा एक कैंप लगने वाला है। तो इस TB के जो पेशेंट है, जो सस्पेक्टेड है, उनका ये ट्रीटमेंट चलेगा। जो सस्पेक्टेड होंगे उनको देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका एक्सरे वगैरह लाइव जो है, एक हाई टेक्नोलॉजी की बस है ये, इसका डायरेक्ट मेदांता से लाइव इनका जो है चल रहा है। तो हमारे आज CMO साहब भी, डॉक्टर विजय दैया जी भी आए थे, और जो CMO साहब हैं, डिप्टी CMO साहब भी, और हमने भी यहाँ ये काम आज जो है शुरू किया है। TB के लगभग सस्पेक्टेड 60 और 70 लोगों का यहाँ उसमें देखा है। 2 पहले से ही TB के पेशेंट हैं जो, उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है। उनमें से जो भी अब सस्पेक्टेड लोगों में से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उनका ट्रीटमेंट शुरू। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट।